ते जे आपां एडे बड़े अहुदियां ते रह के हाले भी अपने अंदर ईरखा ना बस होई ते मैं समझदा फिर सेवा नहीं, फिर तो आम सिख वाला ही करदा रहा। हुण मैं बीबी जी नूं पुछना चाहुंदा, बीबी जी अगे तो लुकमे एजेंडे दे विच कांग्रेस घसपैट करदी सी, मैं इक विचों छड गया। 2004 दे विच वी इलैक्शनां होईआं सी, उदों कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी यतन किया, तुहानूं सारिआं नूं चेता होणा, तुसीं प्रैस वाले सब तों वध जाणदे आ, उदों भी खालत खालसे ने फिर वो ठुकराए सारे जिहड़े जुड़दे सी। बजुर्ग बीबियां दूसरे जिहड़े शहीद किए उत्थे उस धरती दे उत्ते, फिर आपां उहनां दे एक्ट नूं जस्टिफाइड करदे आ। सो बीबी जी दे इस सारी स्टेटमेंट दे उत्ते दुख बहुत वड्डा आ, क्योंकि बहुत घटिया किरदार इदां दे नहीं करने चाहिए, ये पंथ खालसे ने कदे भी अक्सैप्ट नहीं किए। जिवें मैं तुहानूं दस्सिया भी इलैक्शन जदों भी आउंदी आ उदों डिड्डू निकल के आ जांदे ते कांग्रेस सीधे तौर पर मदद करदी सी, फिर आपां तां हुण सीधा सद्दा ही दे दित्ता। वाहिगुरु जी की फतेह। सिख पंथ दे सिधांत गुरु नानक देव पातशाह जी ने अपने जीवन काल दे विच सारे सिखां नूं ते समुची मनुखता नूं बख्शिश कीती, उन्हां सिधांतां ते चलदे दसां पातशाहियां दी जो स्वरूप धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र गुरबाणी, वह सिख का हर एक पक्ष जिहड़ा आ उस पक्ष नूं एक सर्व व्यापक जिहड़ी विचारधारा भी बख्शिश करदी है। जिहड़े साढ़े बजुर्ग सी गुरु काल तों बाद समय अनुसार बहुत बड़ियां घाटां आ गईयां, जिहड़े मसंद किसे वेले गुरु अमरदास पातशाह जी ने 22 मंजियां दे रूप में थापे सी, वो मसंत महानतां दे रूप दे विच गुरुद्वारियां च बह गए, जिहदे लई कौम ने बहुत वड्डी जदोजहद कीती। वो पिछला समा भी जे समय दे विच गुरु घरां दे विच बीबियां भैणां दी शरेआम बेपती होण लगी, शरेआम गुरु घरां दे विच शराबां दे दौर मुजरे टाइप जिहड़े उह सारे कार चल पए, ते गुरु के सिखां ने इहदे लई अपने यतन भी आरंभे। सब तो पहलां तरन तारन विखे एक हिंदू परिवार जिहड़ा उत्थे रात रहा, उस परिवार की बच्ची नाल जिहड़ी बदफैली होई, उन्हें आ के श्री अकाल तख्त साहब की सरप्रस्ती दे विच आ के अरदास कीती कि साढ़े नाल रात उस धरती ते आ कुछ होया, जिहड़ी पवित्र धरती साहिब गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने अपने हत्थी जिहदी रचना कीती सी। गुरु के सिखां ने फिर धार लिया कि मर्यादा नूं बहाल करवाउणा, इत्थों शुरुआत होई गुरद्वारा सुधार लहर दी। तरन तारन विखे शहीदियां होईयां, उस तों बाद ननकाणा साहिब विखे शहीदियां होईयां, उस तों बाद गुरु के बाग दा मोर्चा चलिया। पर साढ़े बजुर्ग बड़े सियाने सी, उन्हें 14 नवंबर 1920 नूं गुरद्वारा सुधार लहर हित श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी एक संस्था बनाई, जिहदी अड़हॉक तौर दे उत्ते 5 साल वो कमेटी चलदी रही। सरकार ने यतन किया कि यह अड़हॉक कमेटी नूं अपने मैंबरां द्वारा इन्हां दी मैंबरशिप दित्ती जावे, पर खालसा पंथ ने उस वेले दी ब्रिटिश सरकार दी ये जिहड़ी चाल सी उहनूं कामयाब नहीं होण दित्ता, अपन हत्थी आप कमेटी साज के सिख पंथ नूं योग अगवाई दित्ती। और जीवन वाले वो साढ़े श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के सारे मैंबर साहबान सी। उस तों बाद 1 महीना 14 दसंबर 1920 नूं, क्योंकि साढ़े पुरख अनुभवी भी सी, सेवा दे सिमरन दे विच ग्रसे हुए भी सके, उन्होंने श्रोमणी अकाली दल की एक जथेबंदी स्थापित की और दोहां जथेबंदियों श्री अकाल तख्त साहब की सरप्रस्ती बख्शिश की।
जिहड़ी अज तक निरंतर जारी है। एक्ट 1925 बनिया, एक्ट तो बाद इहदी सेवा संभाल श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के उस वेले दे जिहड़े अहुदेदार आउंदे सी उह बाखूबी निभाउंदे रहे। ज्यों ही मुल्क आज़ाद होया, इस आज़ाद मुल्क दे विच सरकारां ने ते चेचे तौर पर मैं कह लवां कांग्रेस ने हमेशा जतन किया कि जिहड़ी सिखां दी सिरमौर जथेबंदी आ इहदे विच किसे ढंग नाल घुसपैठ किया जाए। सब तो पहली घुसपैठ 1955 विच कीती गई जदों इलैक्शन सी। उस इलैक्शन दे विच सरदार प्रताप सिंह जी कैरों जिहड़े उस वेले मुख्यमंत्री सी, उन्होंने एक फरंट बना के पंथ खालसे नूं एक चुनौती दित्ती, पर पंथ खालसे ने वो चुनौती स्वीकार की, सारयां नूं मूंह दी खाणी पई। फिर इत्थे तक सीमित नहीं रहे, 1960 दे विच फिर एक साध संगत बोर्ड बनाया जिहदे विच साढ़े भी कुछ आगू जिहड़े पहलां अकाली दल विच रहे सी, वह अकाली दल दे आगू उस फरंट दे विच शामिल होए। पर फिर पंथ खालसे ने पैर नहीं लगन दिते, फिर उन्होंने मूँह दी खाणी पई। मेरा कहण तो भाव कि कांग्रेस ने श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के कार्य के असिधे तौर पर हमेशा दखलअंदाजी बड़ी वड्डी कीती। उस तों बाद जो 1984 का वर्तारा वह भी साढ़े सारयां दे सामने ही, आपां कल 6 जून जिले सिख जून का महीना आता वो अंदर एक झुलझनी खाल जी फैल जाती आदा गल की आ, क्योंकि जख्म एडे डूंगे तो अबले दते कौम के हिरद्या के हमेशा वास्ते हो रहने। श्री अकाल तख्त साहब ढह ढेरी किया, सचखंड श्री दरबार साहब गोलियां मारिया, सिखा ने रिपेयर कर लाए, क्योंकि श्री हरिमंदर साहब पहला भी इन्हां बिल्डिंगां दे विच ढाउण दा जतन मौके दीआं हकूमतां ने कीता, पर आज़ाद भारत दे विच इह पहला जतन सी कांग्रेस वल्लों, क्योंकि पहलां घुसपैठ करदे रहे नहीं पेश गई, उस तों बाद इह ब्लू स्टार दा वर्तारा वरता दित्ता। उह सब तों जिहड़े वड्डे जख्मे आ उह सचखंड श्री दरबार साहब जी दे थल्ले जिहड़े सतगुरु जी दे सरूप प्रकाशमान सीगे, उन्हां दे विच भी एक गोली लगी जिन्हां दा कल प्रकाश किया गया बाबा गुरबख्श सिंह बुंगे विखे। तो वह जिन्ने अंग खिंडे विचों वो तकरीबन 6वीं अष्टपदी एक तो लैके उत्थे तक गोली दा असर होया, क्योंकि उहदी ट्रीटमेंट की गई कि गांह बधे ना, वो अंग भी डब्बी च पा के असीं अखर जिहड़े आ उह रखे वा, तो गोली जिहड़ी वह भी कल लोक संगतां दे रूबरू कीती सी कि संगतां दर्शन कर लैण। एक हर की पौड़ी जिथे सिख का अथाह एक आस्था आ भी उस स्थान के उत्ते मैनू खंड पाठ साहब का समा सतगुरु जी सेवा बख्श कर, बड़े लंबे समय तो बाद वारी आती है उत्थे सतगुरु जी के बड़े स्वरूप जोड़े तुम बड़े आकार से देखे होने, वो स्वरूप सतगुरु जी के खंड पाठ चलते सी, भी गोली जख्मी उस स्वरूप के बच्चे लगी, वह भी साढ़े कोल सरूप असीं उहदी ट्रीटमेंट करके सुरक्षित रखिया है। मेरा कहण तो भाव कि सिख सारा कुछ बर्दाश्त कर लैंदा, सिख गुरु ग्रंथ साहब का निरादर बर्दाश्त नहीं करता। बिल्डिंगां ढिठियां असीं बिल्डिंगां नवीं बना लईआं, खूबसूरत बना लईआं, कुछ असीं उहनां दे निशान भी अज तक रखे आ, जिहड़ी साडी प्रसाद वाली वाही आ उहदे उत्ते इक पालकी आ जिहड़े अज भी तुसीं देखोगे सैकड़ों की तादाद गोलियां लगिया। जिहड़ा गुरु श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का जिहड़ा साडा तेजा सिंह समुंदरी हाल उहदे विच भी असीं पिछे अपने जिन्ने जिन्ने थां ते गोलियां लगियां वह सारे सुरक्षित रखे आ, पर समें दे अनुसार इत्थे तक तां हुंदा रिहा कि कांग्रेस होई जां कोई होर जमात होई, वह श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की जदों भी इलैक्शन आती सी असिधे तौर के उत्ते दखलदाजी करती सी, सीधे नहीं सी करते, असिधे तौर पर करते सी, तो खालसा पंथ ने हमेशा उन्होंने ठकराया। हुण आ श्रोमणी कमेटी दीआं चोणां लई हाले डेट का कोई फिक्स नहीं हुई, वोटां बनाउण दा साडा जिहड़ा इलैक्शन कमीशन आ गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का उन्हां वल्लों इह ऐलान किया गया।
तो मैं समझदा फिर मैं हुण कहावत बोलनी नहीं चाहता भई उस इलैक्शन दे सन्मुख कई नवें नवें रूप भी देखण नूं आए आ ते सब तो दुखदाई तो सब तो मैं समझना घटिया गल हुंदी भई पार्टी ने जिन्हां नूं बहुत वड्डा माण बख्श कीता होवे सबर भी कोई गल हुंदी आ संतोख भी कोई गल हुंदी आ ते इत्थे श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी तां एक सेवा दी भावना नाल हर एक बंदा आउंदा ते सबर ते संतोख भी चाहिए इत्थे चौधरां दे झगड़े नहीं इत्थे कोई वजीरियां दे झगड़े नहीं इत्थे तां सिर दे के गुरु के सिखां ने 1984 विच सिर दे दित्ते पर चितारिया नहीं इहो सिक्खी दा कंसैप्ट सी पर मैं आ 3-5-4 दिन पहला एक श्रोमणी अकाली पंथ नां दी जथेबंदी जिहड़ी आ ਉਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਆ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੇ 1996 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ 1997 ਵਿੱਚ MLA ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਔਰ 3 ਟਰਮਾਂ ਫਿਰ 2004 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਨਾ ਬਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਸਿੱਖ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਾਪੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਖਬਾਰ ਆ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਜੂਨ ਦੀ 6 ਜੂਨ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਤਾਂ ਜਝਾਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਲੜਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਣਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗੈਰਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ ਬੀਬੀਆਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੀ ਉਹ ਲੜਦੇ ਸੀ ਹੱਥੀਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨਿਓ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਬਈ ਇਹ 6 ਜੂਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੁਛ ਜਝਾਰੂ ਦਾ ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਫੌਜ ਦਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨਿਹੱਥੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੋਰ ਆਲ ਸਿੱਖਸ ਫਾਈਟਿੰਗ SGPC ਪੋਲਸ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਫਰੋਮ ਕਾਂਗਰਸ BJP ਇਨਵਾਈਟਡ ਕੌਮਾਂ ਆਪ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਲੁਕਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਘਸਪੈਠ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਗਿਆ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਠੁਕਰਾਏ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜਦੇ ਸੀ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਆ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਹ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ 6 ਜੂਨ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰ ਲਊਗਾ ਸੋ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਠੀਕ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਆ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਓ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਡਿੱਡੂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਸੱਦਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜੇ ਉਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ
ये मैं समझना जिहड़ा एवें ओपन इंटरव्यू दे विच कहना ये किसी पक्ष तो भी जस्टिफाइड नहीं। तुहानू बीबी जी पंथ खालसे ने बहुत बड़ा माण बख्शिश किया। मेरा ख्याल साढ़े पिछोकड़ दे विच मैं लालवान 103 साल दे विच सब तो बड़ा माण तुहानू पंथ खालसे ने सब तो पहली औरत श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रधान बन का बख्शिश किया। तो वो एक बड़ा बड़ा सेवा सी जिहड़ी सानू खालसे ने बख्शिश की। इहो जिहियां पिरतां ना पाईए जिन्हां पिरतां दे नाल सानू भी आप शर्मशार होना पवे। सो गुरु साहब कृपा करन बख्शिश करन। सो